हेलो एवरीवन, आज के इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। डीएड एंड बीएड के लिए 3 चरणों में होगा प्रवेश, इसका संपूर्ण जानकारी मैं लेके आ चुका हूँ। इसमें पूरा कंप्लीट बताऊंगा, तो वीडियो को आपको अंत तक देखना होगा। सरकारी और निजी कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। बीएड एंड डीएड में 3 चरणों में प्रवेश। देश के बीएड व डीएड कॉलेजों में 3 चरणों में प्रवेश दिया जाएगा। बीएड में प्रवेश लेने 12 अक्टूबर से ऑनलाइन पंजीयन आरंभ होगी। इस बार पूर्व के भांति व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षा में मिले प्राप्त अंक के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। सरकारी और निजी बीएड एंड डीएड कॉलेजों में प्रवेश के संबंधित में राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने आमबटन कार्यक्रम सोमवार को जारी कर दिया है। पंजीयन और कॉलेजों का आमबटन ऑनलाइन प्रक्रिया से किया जाएगा। व्यापम की परीक्षा में सम्मिलित एवं पात्र अभ्यर्थी चिप्स की वेबसाइट में जाकर निर्धारित प्रक्रिया शुल्क का भुगतान कर विकल्प फॉर्म भर सकते हैं। बीएड में पहला चरण के लिए पंजीयन 12 से 18 अक्टूबर तक होगी। 23 से 25 अक्टूबर तक दावा आपत्ति की जा सकेगी और अंतिम सूची 27 अक्टूबर को जारी की जाएगी। गौरतलब है कि गत वर्ष कोरोना के चलते प्री बीएड प्री डीएड परीक्षा नहीं हुई थी। ऐसे में बीएड व डीएड में निर्धारित अंक के प्राप्त के आधार पर प्रवेश दिया गया था। डीएड के लिए 8 अक्टूबर से पंजीयन। बीएड के साथ डीएड का प्रवेश कार्यक्रम भी जारी किया गया है। पहले चरण के लिए 8 से 13 अक्टूबर तक पंजीयन होगा। 23 अक्टूबर को पहली आमबटन सूची जारी की जाएगी। 27 अक्टूबर तक अभ्यर्थियों को कॉलेजों में प्रवेश लेना है। दूसरे व तीसरे का प्रवेश नवंबर और दिसंबर में। कार्यक्रम के अनुसार बीएड में दूसरे चरण के लिए पंजीयन 18 से 24 नवंबर तक होगी। इसके पश्चात 2 दिसंबर को चयन सूची जारी की जाएगी। अभ्यर्थियों को 6 दिसंबर तक प्रवेश लेना होगा। इसके पश्चात भी सीटें रिक्त होने की स्थिति में तीसरे चरण के लिए पंजीयन 24 से 27 दिसंबर तक होगी और 30 दिसंबर को आमबटन सूची जारी की जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये अपडेट कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ।